गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप अच्छे होंगे सभी दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। सुबह सुबह बहुत ठंड हो रखी है दोस्तों, और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली सुबह सुबह, तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने वाला जो पहाड़ है, हमारे गांव के सामने का पहाड़, किस तरह से कोहरे में ढक चुका है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। दिल्ली जाना है तो सुबह जल्दी उठ गया, जिसकी वजह से मुझे ये कोहरा देखने को भी मिल गया है, जो कि बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब गाड़ी के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ना गाड़ियाँ का जो सिस्टम है वो थोड़ा ढीला है। मिलती भी है कि नहीं, नहीं तो देवप्रयाग तक तो जाना ही पड़ेगा पैदल। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी ऋषिकेश बस अड्डे पे पहुँच चुका हूँ, और अभी मैं हूँ ऋषिकेश पे, यहाँ से दिल्ली के लिए निकलूँगा अभी दोस्तों। तो मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश बस अड्डे पर, और यहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड परिवहन निगम की गाड़ियां खड़ी हो रखी है यहां पर बहुत सारी, और मैं बैठूंगा वो जो सामने एक और गाड़ी लगी हुई है तो वो दिल्ली के लिए है, तो मैं उसमें बैठूंगा और देखता हूं कितने टाइम में मैं दिल्ली पहुँचता। दोस्तों मैं हूँ अभी खजूरी दिल्ली भजनपुरा के पास में, और यहाँ से जहाँ मुझे जाना है वहाँ के लिए ऑटो पकड़ना होगा, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या करूँ, खजूरी के बाद मेरा फ़ोन बिल्कुल ऐसा डेड होने वाला था कि मैंने सोचा कि जहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ वहीं नहीं पहुँच पाया, तो फिर आपको वीडियो बना के भी क्या करता है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया कि वहाँ पे अपना फ़ोन को बंद कर दिया। मैंने सोचा अब इतना ही बहुत है, आपको इतना तो अपडेट पता ही लग ही जाएगा कि मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जहाँ जाना था वहाँ गया, और उन्होंने बोला कि हम सीधे तुरंत घर आ रहे हैं, तो मैं तुरंत घर आ गया था दोस्तों रात को। फिर रात को हम सुबह घर पहुंचे। सुबह घर पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं अभी 3-4 बज रहे हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आया हूँ देवप्रयाग से, और धूप बहुत ज़बरदस्त हो गई है भाई। अभी सुबह के 12:30, सुबह के बाद दिन के 12:30 हो रहे हैं, लेकिन भाई धूप बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा बहुत ख़तरनाक। ऐसा लग रहा है स्वेटर को उतार के फेंक दूँ, इतनी धूप हो रही है। दोस्तों मैं गया था देवप्रयाग बाल बनाने के लिए, क्योंकि आज 5वां दिन है। एक्चुअली क्या है कि हमारे परिवार में ना चाचा जी ख़त्म हो गए हैं, तो 5वें दिन होने के बाद ये बाल बनाने होते हैं, तो वो बाल बनाए थे आज। दोस्तों चढ़ाई पर इतनी बुरी हालत हो रही है ना ख़राब, क्योंकि धूप हो गई है भाई, और धूप में चढ़ाई पे चढ़ने में थोड़ा दिक्कतें तो होती है। अब ऊँचाई गढ़वाली हो चाहे विदेशी आदमी हो, दिक्कत सभी को होती है। और मुझे लगता है गांव में ना वो आ गए, क्या बोलते हैं उसे, गुणी वगैरह ना, बंदर वगैरह, लंगूर वगैरह होते हैं, वो आ गए वहाँ ऊपर ऊपर, क्योंकि वहाँ से आवाज आ रही है। दोस्तों टोपी लगाने पे ना पसीना इतना ज़्यादा हो गया है ना कि क्या ही बोलें। अभी पीछे से थोड़ा हल्का मैंने ना टोपी ऐसे ऊपर कर रखी है पीछे से, तो भाई साहब इतनी ठंडी हवा लग रही है ना उसमें कि क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पसीना हो गया बहुत ज़्यादा ऊपर आते आते ना, ऊपर से बनियान भी पहन रखी है, तो इसमें और ज़्यादा दिक्कत हो गई है। दोस्तों पपीते को कोई भी जानवर नुकसान न पहुंचाए, इसलिए इस तरह से इसको बांधा हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ ऊपर पे आया सीधे सीधे वाले रास्ते में, तो आप देखो धूप एकदम से चली गई है अचानक से। मुझे लगता है कि ऐसे ही रहा तो बारिश भी हो सकती है, और मैं चाहता हूँ कि बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा, है ना। मौसम अभी से गर्म होने लग गया, क्योंकि अभी फरवरी चल रही है। दोस्तों तो मैं घर पहुंचने वाला हूं, अगली वीडियो में आप सभी को मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सेरू भी देख रहा है, मिलते हैं एक और ब्लॉग में।